लापरवाही की भी कोई हद होती है। हम यहाँ तैयार बैठे हैं और जहां बना का कोई अता पता नहीं। आने दो, उनकी नानी ना याद दिला दी ना तो हमारा नाम भी रानी साहिबा नहीं। क्या बात है रानी साहिबा, नाम बदल रही हैं आप? नहीं, अच्छी बात है, नाम ही बदल लीजिए, क्योंकि वैसे भी हम आपको तो बदल नहीं सकते। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप तो चाहते हो कि हम बदल ही जाए। क्यों नहीं, दिल की बात तो सभा पर आ ही गई ना। हे भगवान, तू कैसा है, ये सब सुनने से पहले हमें उठा क्यों नहीं लेता तू? इतना आसान नहीं है रानी साहिबा, जितना आप सोच रही हैं ना उतना आसान नहीं है आपको उठाना। अगर 12 लोग अपने साथ 3 और लोगों को जोड़ ले तो शायद आपको उठा भी ले। बकवास खत्म हो गई आपकी, खत्म हो गई हो ना तो चलिए, हम इंतजार कर रहे हैं आपका, चलिए अभी चलिए। कहाँ कहाँ जाना कहा है हमें? हम भूल गए जापना, आपने हमसे कहा था कि हम भूटान चलेंगे आपके साथ, साड़ियां खरीदनी है ना, भूल गए? हाँ, कुछ याद आ रहा है हमें। याद आ रहा है। देखिए रानी साहब, आप एक बात बताइए, ये साड़ियां खरीदना, ये जेवर गहने खरीदना, ये सब करने के अलावा और कोई काम आता है आपको? नहीं, मतलब ऐसा कोई काम जिसमें कोई फायदा भी हो। जहां पना, आप भूल रहे हैं, हम मसालों के व्यापारी हैं। ओ नहीं 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 नहीं, नहीं। हमें याद आ गया आपका मसाले का व्यापार। वो क्या है, वो चीजें बेचती है ना आप, वो काली मिर्च, धनिया, लौंग, इलायची, ये छोटी मोटी चीजें बेचकर कुछ 100-200 मोहरे तो कमा लेती होंगी आप। जहाँ पना, बस भी कीजिए, ये जो छोटा मोटा व्यापार आप जिसे बोल रहे हैं ना, भूलिए मत, हम दुनिया में सबसे बड़े व्यापारी हैं मसालों के। दुनिया भर के लोग हमारे मसाले खरीदने आते हैं हमारे पास। और इतना ही नहीं, हम दुनिया की ऐसी पहली महिला है जिसके पास अपने व्यापार के लिए खुद का जहाज है, जिसका नाम है रहीमी। हाँ तो ये हमें पता है कि आपके पास अपना खुद का जहाज है व्यापार के लिए, पता है हमें। तो ये जहां बना कि आपका जो वो शाही खजाना है ना, उसका आधा धन हमारे व्यापार से ही आता है। हा? कितना? आधा धन शाही खजाने का। हाँ, और उतना ही नहीं, हमारा जो जहाज है ना, जहाज सुन रहे हैं आप, रहीमी हमारा जहाज, उसमें हम रियासत के लोगों को मक्का मदीना हज पे भेजते हैं, और वो भी हमारे खर्चे पे। ये साल सलीम भी गया हुआ है, कुछ दिनों के बाद आ जाएगा। तो ठीक है ना रानी साहिबा, आप जो ये चीजें कर रही हैं ये बहुत अच्छी हैं, करते रहिए। आपके इस व्यापार की वजह से शाही खजाना भर रहा है तो ये खुशी की बात है, हम आपको रोक तो नहीं रहे ना। लेकिन हमें एक बात बताइए, आप इतना बड़ा ये जो व्यापार करती हैं उसके बाद भी ये साड़ियां और गहने खरीदने के लिए आपको फुर्सत कहां से मिलती है, वक्त कहां से मिलता है आपको? हम तो सिर्फ एक दरबार चलाते हैं, उसमें भी हम इतने मशरूफ रहते हैं कि और कोई काम करने का हमें वक्त ही नहीं मिलता। समय का प्रबंधन होना चाहिए जो हम करते हैं। समय का प्रबंधन, प्रबंधन, प्रधनबन, प्रधनकन, प्रबंध, रहने दीजिए जहां पना, रहने दीजिए। तो वही तो हम कह रहे हैं, हमसे तो कहा भी नहीं जा रहा है ये शब्द और आप कर भी लेती हैं। अरे वक्त का इस्तेमाल, वो आना चाहिए, आपकी तरह नहीं बस दरबार में यूं बैठ गए तकबर और खामोश खरगोश। चलिए अभी ना, चलिए ना, जापान भूटान जाना है, चलिए ना, कब से इंतजार करना, चलिए ना। देखिए रानी साहब, आपकी मासा उज्जैन गई हुई है, अब वो यहाँ पर लौटेंगी और उन्होंने अगर आपको यहाँ पर नहीं पाया तो उनको कैसा अजीब सा लगेगा, तो आप यहीं रुकिए ना, हम यहीं रहते हैं, छोड़िए भूटान, क्या जाना है, छोड़िए ना मासा को। हमारा मतलब है मासा उज्जैन गई है बस 15 दिनों के लिए, तो 15 दिन में तो हम आ जाएंगे ना।
चलिए जहाँ बना जहाँ बादब बामुला हिजा होशियार बादशाहों के बादशाह हम सब के प्यारे सभी के दुलारे थके हारे हैं चुस्त दुरुस्त पर दिख रहे हैं आज सुस्त जहां पना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं। क्या बात है जहां पना आज थके हुए लग रहे हैं। थके हुए नहीं लगेंगे तो क्या हम टमाटर की तरह तरोताजा लगेंगे। चार दिन से भूटान की सड़कों पर भटक रहे हैं, रानी साहिबा के साथ साड़ियां खरीद रहे हैं। जनता दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। जहां पना हमारी मदद कीजिए, हमारे रिश्तेदारों को बचाइए। जहां पना मेरे परिवार की जान भी खतरे में है। जहां पना किससे खतरा है आपके परिवार के लोग? जहां पना आप तो जानते हैं कि रियासत के बहुत सारे लोग रानी साहिबा के जहाज रहीमी में हज के लिए गए हैं। हाँ हम जानते हैं, शहजादे सलीम भी उसी जहाज पर है। रहीमी जहाज को 3 दिन पहले ही लौट आना चाहिए था लेकिन अब तक नहीं लौटा। पता नहीं क्या हुआ वो जहाज को और उसमें सवार रियासत के लोगों को। जहापना आप पता लगाइए ना। जहापना बात तो इनकी ठीक है, रहीमी जहाज अब तक पहुंच जाना चाहिए लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। आप सब बेफिक्र रहिए, रहीमी जहाज के बारे में हम जल्द से जल्द पता लगवा लेंगे। जहाज पर जितने भी लोग हैं उन सब की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है और वो सभी लोग बहुत जल्द वापस आ जाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। जहां बना की जय। जहां बना की जय। जहां बना की जय। वजीर आजम जहां बना आप अभी के अभी जाइए और रहीमी जहाज के बारे में पता लगाइए, कहां है ये जहाज। जी जहां बना। वजीरे आजम कल से गए हुए हैं रहीमी जहाज के बारे में पता करने के लिए, अब तक नहीं लौटे क्यों? जापना की जय। जापना जापना की जय। जरा किसको किसको कुछ पता चला? जापना पता तो चल गया लेकिन बुरी खबर है। हमारा जहाज डूब गया? नहीं नहीं जापना जहाज तो नहीं डूबा, हमारा रहीमी जहाज लाल सागर से होते हुए वापस लौट रहा था तो पुर्तगाली समुद्री लुटेरे अल्फ्रेडो और उसके साथियों ने जहाज पर हमला किया और जहाज पर सवार लोगों को अपने कब्जे में ले लिया। अभी तक जहाज का पता नहीं चल पाया। अल्फ्रेडो कौन है ये अल्फ्रेडो जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारा जहाज मुगलिया सल्तनत का जहाज उसने अपने कब्जे में कर लिया। जापना अल्फ्रेडो एक बहुत ही शातिर पुर्तगाली समुद्री लुटेरा, न जाने आज तक उसने कितने जहाज लूटे, कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है। तो इतना शातिर है जापना कि आज तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। पर हमारे उस जहाज पर हमारी रियासत के 700 लोग हैं और सबसे बड़ी बात उस जहाज पर सलीम मौजूद है। हमें किसी भी तरह उन सबको सही सलामत बचाकर वापस लाना होगा क्योंकि अगर रानी साहिबा को पता चल गया कि सलीम की जान खतरे में है वो पूरा महल अपने सर पे उठा लेंगी। वो तो शुक्र है कि भूटान से लौटते वक्त वो प्रतापगढ़ में अपनी सहेली के पास रुक गई, जिससे पहले रानी साहिबा यहां पर लौटे उससे पहले हमें सलीम हमारे इस महल में मौजूद चाहिए। जापना अब फिक्र मत कीजिए, हम शहजादे सलीम को कुछ नहीं होने देंगे। जापना अल्फ्रेडो ने जहाज लूटा नहीं बल्कि जहाज और उस पर सवार सारे लोगों को अगवा कर लिया। वो लूटने नहीं आया था जापना, हो ना हो हमें लगता है कि कोई ना कोई षड्यंत्र तो जरूर है। कोई और षड्यंत्र मतलब क्या? क्या क्यों कैसे ये हमें भी पता नहीं। हम इस मामले की तह तक पहुंचने की जिम्मेदारी आपको सौंपते हैं। आप किसी भी तरह
हमारे रियासत के सारे लोगों को और सलीम को हमारे महल में वापस लेकर आइए जल्दी। जो हुक्म जा बना। एल्फ्रेडो। बीरबल जी, अल्फ्रेडो कहाँ मिलेगा ये मैं नहीं जानता। सिराज, आप भी एक समुद्री लुटेरे थे, ऐसा कोई तो तरीका होगा इस अल्फ्रेडो तक पहुंचने का। बीरबल जी, अल्फ्रेडो भेस बदलने में माहिर है, वो आपके सामने खड़ा होगा तो भी आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। मुझे तो लगता है कि शायद ही किसी ने उसकी असली सूरत देखी होगी। सिराज सिराज सिराज, ऐसा कोई तो होगा जो इस अल्फ्रेडो को पहचानता हो। हाँ बीरबल जी, हाँ मैंने कई साल पहले सुना था कि हमारी रियासत की एक मुजरा करने वाली सकीना नाम की लड़की से वो बेहद मोहब्बत करता है। और सकीना? वो भी उसे दिलोजान से चाहती है। सकीना। अल्फ्रेडो ने हमारे भांजे और रहमी जहाज को अगवा करके उसने मौत को दावत दी। उसे तो हम पता लोक से भी निकाल लेंगे। हम देव क्यों? अरे लंगड़े भी हैं, बचपन से इधर उधर टकरा टुकरू कर बड़े हुए हैं। क्या बदतमीजी है? अब बदतमीजी करना तो हमारा शौक है, लेकिन सोच रहे हैं कि छोड़ दें। इस शौक की वजह से बहुत बार मुसीबत में फंस चुके हैं। कौन हो तुम? हरिया नाम है हमारा। ठीक है ठीक है, अरे हरिया कोई भी हो, अब निकलो यहाँ से, नहीं तो जिंदगी भर कैद खाने में सड़ते रहोगे। जिंदगी से याद आया, शहजादे सलीम के सर पर भी तो मौत मंडरा रही है, अल्फ्रेडो नाम की मौत। अगर शहजादे को बचाना चाहते हो तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। कैसी मदद? हमें अल्फ्रेडो ने भेजा है आपको ये संदेश देने के लिए कि अगर शहजादे सलीम और रियासत के सभी लोगों की जान बचानी है तो उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। 10 लाख की स्वर्ण मुद्रा है, या उतनी ही कीमत के हीरे ज्वारा। अगर आपको मंजूर है तो बोलो, हम आपका संदेश अल्फ्रेडो तक पहुंचा देते। इसका फैसला जहांपनाह लेंगे, तुम कल इसी वक्त यहां मिलो, जहांपनाह का फैसला हम तुम्हें सुना देंगे। ठीक है। जहांपनाह की जय। जहांपनाह, शहजादे सलीम और रियासत के बाकी लोगों को जान बचाने का तरीका हमें मिल गया है। क्या 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 तरीका है? अल्फ्रेडो का एक आदमी संदेशा लेकर आया है, उनका यह कहना है कि अल्फ्रेडो को हम 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दें तो शहजादे सलीम और बाकी लोगों को जिंदा वापस लौटा देंगे। नहीं जहांपनाह, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ऐसा? जहांपनाह, अगर हमने ऐसा किया तो अल्फ्रेडो का ही नहीं बल्कि रियासत के बाकी गुनहगारों का भी हौसला बुलंद हो जाएगा। आए दिन जहाज अगवा होंगे, महल के लोग अपहरण होगा और उसके बदले में हमसे फिरौती की मांग की जाएगी। बीरबल सही कह रहे हैं, हम कोई फिरौती नहीं देंगे। हम इस अल्फ्रेडो को पकड़ के ऐसी सजा देंगे कि फिर कभी कोई ऐसी हिमाकत करने की कोशिश नहीं करेगा। हमें ये अल्फ्रेडो चाहिए, जिंदा मिल गया तो जिंदा, वरना मुर्दा मिला तो हमें और ज्यादा खुशी होगी। जी जहांपनाह, अल्फ्रेडो तक पहुंचने का रास्ता हमें मिल गया। बीरबल जी, आपके रास्ते के चक्कर में यदि शहजादे सलीम की जान चली गई तो हम सलीम के अब्बू हैं वजीर आजम, लेकिन उससे पहले हम एक बादशाह। हम वही करेंगे जो सही है, ये हमारा आखिरी फैसला है। बहना, 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 आप कब वापस आई? हम आ गए भाईसा और हमने सब सुन भी लिया है। हम अपने बेटे सलीम को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। उसके लिए उस अल्फ्रेडो को जितनी फिरौती चाहिए ना, हम देने को तैयार हैं। लेकिन जहांपनाह। बस, अगर वो बादशाह है और अपने बादशाह होने का फर्ज निभा रहे हैं तो हम भी एक माँ है भाई साहब, हम माँ होने का फर्ज निभाएंगे
और इसमें आपको हमारा साथ देना होगा भाई साहब। बहना, हम तो हमेशा आपके साथ हैं। छोड़िए। अब क्या छोड़ें? इतनी बड़ी रियासत में सकीना नाम की मुजरा करने वाली लड़की को ढूंढने का विचार छोड़िए। हाँ मित्र बीरबल, रियासत की सारी मुजरा करने वाली लड़कियों को जानते हैं हम। इनमें से किसी का नाम भी नहीं है सकीना, ये दावे के साथ कह सकते हैं हम। मित्र तानसेन, अल्फ्रेडो तक पहुँचने के लिए हमें सकीना को ढूंढना बहुत जरूरी है। हो सकता है उसने मुजरा करना छोड़ दिया हो, इसीलिए उसे कोई पहचानता ना हो। तो फिर हम उसे कैसे ढूंढेंगे? उर्वशी, एक तरीका है। मुजरा भी एक नृत्य कला है। इसका मतलब उसे सिखाने वाले कई सारे गुरु होंगे हमारे रियासत में, और इसी तरह किसी एक गुरु ने सकीना को भी ये कला सिखाई। आप ऐसा कीजिए मित्र तानसेन, इन सारे गुरुओं की एक फरिश्त बनाइए, हम उन सब से मिलेंगे और इस तरह से हम सकीना को ढूंढ लेंगे। आइए 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 वजीर आलम, आइए अल्फ्रेडो के ठिकाने पे हम लोग आ पहुंचे। आइए। मैं ना सारा भार मैं ही उठा रहा हूँ, इतना भारी आप भी तो मदद करो। अरे हरिया जी, कहाँ कितनी दूर चलना है? आगे क्या? हाँ हाँ आगे, अब अपनी आंखों से पट्टी उतार दीजिए। बहना जल्दी से पट्टी उतारो। बाकी लोगों को छुड़ाने ही आए हैं। हाँ। हरिया बुलाओ अपने मालिक अल्फ्रेडो को, बुलाओ जाओ। अल्फ्रेडो तो आपके सामने ही है। कैसा लगा हमारा अभिनय? हमारा हिंदी कैसा था? तुम अल्फ्रेडो हो? हाँ? सोला ने। लेकिन अब पुर्तगाली होकर हिंदी कैसे अच्छी बोल लेते हो? वजीर आजम बोलते, पुर्तगाली होकर हम हिंदुस्तान का जहाज लूट सकते हैं, तो हिंदी बोलना कौन सा बड़ी बात है? थोड़ा सा अभ्यास किया और सब कुछ हो जाता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे हिंदी बोल लेते हैं। ये देखो ये हीरे जवाहरात ले लो, हमारे बेटे सलीम को छोड़ दो और बाकी सारे लोगों को भी छोड़ दो, तुम भी खुश हम भी खुश। वैसे बाकी सारे लोग कहाँ हैं? पानी फिर रहे हैं। पानी कहाँ? पानी के कुएं के अंदर। कुएं के अंदर? सबको वही बांध दिया क्या? सबको बार बार पानी पिला के मैं थक जाता। ये थैला ले लो और उन सबको छोड़ दो ना। Thank you.
छोड़ूंगा। छोड़ोगे क्यों नहीं? जब छोड़ना ही नहीं था तो हमें बुलाया क्यों? पहली बार तुम अकल की बात किया, अगर छोड़ना ही नहीं था तो बुलाया क्या? अब सोचना पड़ेगा कि बुलाया क्यों। बीरबल, मिला कोई सुराग? हुसैन फ्रेडो तक पहुंचने का कोई सुराग मिला आपको? अब तक तो नहीं जा पाना, पर हम जल्द ही पता लगा लेंगे। जहांपना, गजब हो गया, गजब हो गया, जहांपना, गजब हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ बलदेव? जहांपना, आपको बिना बताए हम और बहना फिरौती देकर शहजादे सलीम और रियासत के लोगों को अल्फ्रेडो के चुंगल से छुड़ाने गए थे, लेकिन अल्फ्रेडो ने तो किसी को छोड़ा नहीं, उल्टा बहना को बंदी बना लिया। क्या? जी हाँ। देव, लेकिन अगर आप भी रानी साहिबा के साथ थे तो सिर्फ रानी साहिबा को बंदी क्यों बनाया? आपको कैसे छोड़ दिया उन्होंने? जहां पना, यह बताने के लिए कि उनकी बातें नहीं मानी गई तो बहना, शहजादे सलीम और बाकी साथियों को जान से मार देंगे। कौन सी बातें? क्या 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 बातें? उसने कहा कि उसकी खबर आपको जल्द पहुंच जाएगी। बलदेव जी, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी जगह? नहीं, जब हम वहां गए थे तो हमारे आंखों में काली पट्टी बंधी हुई थी, और जब हम वहां से वापस आए तब भी हमारे आंखों में काली पट्टी थी। काली पट्टी सारी जिंदगी आपके आंखों पर रही है, कभी कुछ दिखाई नहीं देता आपको, आपको आने वाला खतरा दिखाई नहीं दे रहा था। अब इस तरह गए क्यों रानी साहिबा को लेकर उनके पास? शांत हो जाइए जापना, शांत हो जाइए। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन जापना, हम अब भी आपसे कह रहे हैं कि लूटना अल्फ्रेडो का मकसद नहीं, उसे धन दौलत का कोई लालच नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र जरूर है। लेकिन क्या षड्यंत्र बीरबल? कौन सा षड्यंत्र? चाहता क्या है ये अल्फ्रेडो? यही तो हम भी जानना चाहते हैं जापना, और इसके लिए हमें जल्द से जल्द इस अल्फ्रेडो तक पहुंचना होगा। अल्फ्रेडो!